कि फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, तो 3 बजे का वो दिख रहा है कि 3 बजे वो आंसर और कुछ क्वेश्चन वायरल हुआ है जो कि सही पाया गया। तो अब तो ये साबित हो गया कि दोनों शिफ्ट का कल का पेपर लीक था, और जब दोनों शिफ्ट का पेपर लीक था तो तीसरा शिफ्ट का भी निश्चित रूप से होगा, भले वो बाहर नहीं आए, लेकिन जिन लोगों ने पैसा दिया होगा, जो सेटर होगा, वो तो पूरे एग्ज़ाम का ही पेपर लीक करा लिया होगा। तो इसलिए अब हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि पूरा परीक्षा को रद्द कर दीजिए, CBI जांच कराइए, और BPSC पेपर लीक का भी CBI जांच कराइए। छात्रों का विश्वास है हमारे ऊपर, हम भी उनके लिए काम कर रहे हैं, तो अगर उनके साथ अन्याय होगा तो हम तो उनके साथ आंदोलन करेंगे ही, समस्त अभ्यर्थी रहेंगे, जब भी आंदोलन होगा छात्र आंदोलन होगा, यानी कि समस्त छात्र छात्राएं शामिल होंगे, दरोगा अभ्यर्थी, BPSC अभ्यर्थी, BSSC अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, हम सबसे अपील करेंगे कि सब लोग मिलकर लड़ें। बिहार सरकार ने युवाओं को न्याय नहीं दिया, तो हम समस्त युवाओं से ये अपील करेंगे कि सभी नेताओं का, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सभी का बहिष्कार कीजिए। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और शिक्षा माफिया को टिकट देते हैं विधानसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो 5-5 हज़ार रुपया देने की बात BPSC अभ्यर्थियों को करते थे, और बिहार लीग सेवा आयोग बोलते थे, और आज चुप्पी साध लिए। DGP से मिलने की कोशिश कीजिएगा आप, निश्चित करेंगे, अगर मिलेंगे तो हम तो सारा सूचना देंगे, जो भी कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसके बारे में हम पहले बता देंगे। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ कल, और फर्स्ट पाली का जो एग्जाम है वो लीक भी हुआ, लेकिन अभी जो सामने निकल के आ रहा है, जो खबर सामने निकल के आ रहा है कि सेकेंड पाली का भी क्वेश्चन लीक हुआ है। छात्र नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने फर्स्ट पाली का जो पेपर जो आया था, सबसे पहले इन्होंने ही सबके सामने भेजा था कि देखिए पहले ही एग्ज़ाम का पेपर आ गया है और लोग एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा और जो जानकारी है जो आप लोगों तक नहीं पहुंची है वो हम इनके माध्यम से आपको बताते हैं। दिलीप पूरा बताइए कि सुन रहे हैं कि सेकेंड पाली का भी एग्ज़ाम का ये, देखिए हमें भी बाद में ये चीज़ की जानकारी मिली, चूँकि दिन भर हम बिजी थे, कल जब फर्स्ट शिफ्ट में ये पता चल गया, साबित हो गया कि पेपर लीक है, तो उसके बाद हम बिजी हो गए, लेकिन जब रात में हम देखे सोशल साइट पे भी आ रहा था, मेरे पास ही बहुत सारे लोगों ने भेजा था, तो 3 बजे का टाइमिंग वो दिख रहा है सोशल साइट पे जो वायरल है, तो हमने उस चीज़ को बाद में देखा कि फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, तो 3 बजे का वो दिख रहा है कि 3 बजे वो आंसर और कुछ क्वेश्चन वायरल हुआ है जो कि सही पाया गया। तो अब तो ये साबित हो गया कि दोनों शिफ्ट का कल का पेपर लीक था, और जब दोनों शिफ्ट का पेपर लीक था तो तीसरा शिफ्ट का भी निश्चित रूप से होगा, भले वो बाहर नहीं आए, लेकिन जिन लोगों ने पैसा दिया होगा, जो सेटर होगा, वो तो पूरे एग्ज़ाम का ही पेपर लीक करा लिया होगा। तो इसलिए अब हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि पूरा परीक्षा को रद्द कर दीजिए, CBI जांच कराइए, और BPSC पेपर लीक का भी CBI जांच कराइए, क्योंकि जब तक CBI जांच नहीं होगी, सारे शिक्षा माफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह की घटना नहीं रुकेगी। हमने याद होगा आपके चैनल पर भी हमने कहा था 67वीं BPSC पेपर लीक के समय कि अगर CBI जांच नहीं होगी, सभी शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तो आगे ये घटना फिर होगी। और BSSC में हो गया, सचिवालय सहायक में हो गया, 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई थी, और उसके परीक्षा में इस तरह से पेपर लीक हो जा रहा है, तो आखिर युवा क्या करेंगे, पढ़ के क्या करेंगे। कई आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा मतलब लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, जिस तरह से खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कुछ कोचिंग संस्थान जो है उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। ये बात तो हम 4 साल से बोल रहे हैं कि कुछ कोचिंग संस्थान शिक्षक भी सेटिंग में शामिल रहते हैं, और ये तो हम 4 साल से ये बात रट रहे हैं। कम होंगे और दिखाते होंगे कि रिजल्ट मेरे यहाँ से इतना रिजल्ट हो रहा है। ये जितना जो आप देखते हैं ना, रिजल्ट होता है 10 को दिखाता है कि ये 500 रिजल्ट हुआ, और जब सबको जोड़िएगा ना, जितना टीचर दिखाते हैं, जितना सीट पे वैकेंसी आता है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये लोग सिर्फ दिखाते हैं, होगा 10 रिजल्ट दिखाएंगे, 200, 300, 500 सब सेटिंग वाला रिजल्ट रहता है, अधिकतर टीचर सेटिंग करवाता है। और मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आज से नहीं 4 साल से बोल रहा हूँ ये बात, तो ये हो रहा है। टीचर लोग हैं, शिक्षक हैं जो सेटिंग में शामिल रहते हैं। अच्छा, मैं सेंटर पे मौजूद थी, और सेंटर पे जितने भी अभ्यर्थी हैं काफ़ी नाखुश दिख रहे थे, जब पेपर देकर निकल रहे थे उन्हें मैं क्वेश्चन दिखाई, वो बोल रहे थे कि हाँ यही क्वेश्चन है, और उसी समय वो फैसला कर लिए थे कि यह कैंसिल हो जाना चाहिए, और आपका नाम लेकर वो मांग कर रहे थे कि अगर नहीं कैंसिल होगा तो दिलीप के साथ हम आंदोलन करेंगे। आप अब उन लोगों के लिए क्या करने वाले हैं ये बताइए। बिल्कुल, देखिए छात्रों का विश्वास है हमारे ऊपर, हम भी उनके लिए काम कर रहे हैं, तो अगर उनके साथ अन्याय होगा तो हम तो उनके साथ आंदोलन करेंगे ही, और अभ्यर्थियों से हम बात कर रहे हैं, अभी तो एग्ज़ाम खत्म हुआ आज, तो हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम बहुत सारा मैसेज भी नहीं देख पा रहे हैं, फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ोन आ रहा है तो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, बात करेंगे, और अभ्यर्थी जो चाहेंगे हम वो करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक संवैधानिक अधिकारों के तहत जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे। और छात्र अगर हमारे साथ आंदोलन करना चाहेंगे, हमें कहेंगे, तो हम उनके लिए सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे उनके साथ।
दिलीप, एक चीज़ और लास्ट सवाल है आपसे कि आंदोलन हो रहा है लेकिन फिर होता है कि चलिए आप लोग कल आइए सीएमओ से मिलने की मुलाकात होती है, बात होती है, कल आइए, परसों आइए, फिर मतलब लौट जाते हैं अभ्यर्थी, फिर बाद में आते हैं, मतलब फैसला कोई चीज़ सुनिश्चित नहीं होता है। आपको नहीं लगता कि कोई एक फैसला होनी चाहिए जिसके कारण से एक जो गिरोह जो तैयार हो गया, शिक्षा माफिया जो है अंदर घुसे हुए, उन सभी को निकाल के, हर आयोग से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए? देखिए, ये अब नहीं चल, तो सुन नहीं रही है, ये अब नहीं चलेगा। अब हम लोग का आंदोलन जब भी होगा ना, तो एक बार तो हम लोग ट्राई कर लिए वार्ता करके बीपीएससी वाले मुद्दे पे, तो सब जगह हमें, हम लोग को ठगा गया, सीएमओ में ठगा गया, मुख्य सचिव ने ठगा, किसी ने तो पूरा नहीं किया वादा। तो अब हम लोग इस भरोसे पर नहीं रहेंगे, अब जब भी हम लोग का आंदोलन होगा तो हम लोग हटेंगे नहीं, सरकार को जो करना हो करे, हम लोग जब तक फैसला नहीं हो जाएगा हम लोग नहीं हटेंगे। बीएसएससी वाले अभ्यर्थी ही रहेंगे कि सारे अभ्यर्थी? समस्त अभ्यर्थी रहेंगे, जब भी आंदोलन होगा, छात्र आंदोलन होगा, यानी कि समस्त छात्र छात्राएं शामिल होंगे, दरोगा अभ्यर्थी, बीपीएससी अभ्यर्थी, बीएसएससी अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, हम सबसे अपील करेंगे कि सब लोग मिलकर लड़े। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हम सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष रूप से सीबीआई जांच करवाइए, परीक्षा रद्द कीजिए, और जितने भी शिक्षा माफिया उन सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। और अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग हताश तो हो ही गए, निराश हो गए, लेकिन धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, हमें मिलकर लड़ना है। और बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं कि सुसाइड करने जा रहे हैं, तो ये सब हरकत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, ये गलत है। आप जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी संघर्ष का नाम है, हम आपके लिए जब संघर्ष कर रहे हैं तो आपको सुसाइड करने का कोई हक खुद के लिए संघर्ष करना, आपके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, तो आप अपने लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, आप सुसाइड कीजिएगा, ये कितना गलत है। आपके परिवार पे क्या उसका बीतेगा, आपने कभी सोचा है? तो इस तरह सुसाइड की बात ना करें, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, आपका कम से कम इतना तो है कि आपका साथ देने वाला कोई तो है, हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, आपके साथ लड़ेंगे, लड़िए, आप जेल जाना पड़े जेल जाइए, लेकिन सुसाइड नहीं करने का कभी नहीं सोचिए, कभी अपने मन में नहीं लाने दीजिए। और अगर बिहार सरकार ने युवाओं को न्याय नहीं दिया, तो हम समस्त युवाओं से ये अपील करेंगे कि सभी नेताओं का, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सभी का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि कोई भी नेता हम लोग के साथ नहीं है। युवाओं के मुद्दे पर चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और शिक्षा माफिया को टिकट देते हैं विधानसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो 5-5 हज़ार रुपया देने की बात बीपीएससी अभ्यर्थियों को करते थे, और बिहार लीग सेवा आयोग बोलते थे, और आज चुप्पी साध लिए। बीजेपी जब सरकार में थी तो पेपर लीक हुआ बीपीएससी का, तो चुप्पी साधे हुई थी, कुछ नहीं की। 19 लाख रोजगार का वादा किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 10 लाख नौकरी की बात करने वाले तेजस्वी यादव जी चुप है। 20 लाख नौकरी की बात करने वाले नीतीश जी चुप है। 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले मोदी जी चुप है। तो आखिर किस पे भरोसा करें? तो इसलिए हम लोग, अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग सभी नेताओं का बिहार में बहिष्कार करेंगे, और जहाँ भी ये लोग चुनाव में जाएंगे हम लोग इनका बहिष्कार करेंगे, सभी नेताओं का। एक लास्ट सवाल है, आर एस भट्टी जी का नाम आ रहा है, डीजीपी जो नए नए आए हुए हैं, पूरा प्रशासन को चुस्त रखे हुए हैं, क्या लग रहा है, इंसाफ दिला पाएंगे ये? देखिए, ये तो उनका फर्ज बनता है कि अगर बिहार के वो डीजीपी हैं और यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए, ये तो उन पर डिपेंड करता है, जैसा उनका सुन रहे हैं, अच्छा रिकॉर्ड है, तो उनसे उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई कीजिए, और हम तो प्रयास भी करेंगे उनसे मिलने का। अब वो हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो मुझे नहीं पता, वो लोग तो वीआईपी पर्सन से मिलते होंगे, हम तो भाई आम छात्र हैं, सड़क पर चलने वाले छात्र हैं, लेकिन हमने तो बीएसएससी ऑफिस जाकर भी पहले बता दिया था, वो लोग तो मिलते नहीं है बीएसएससी वाले भी, तो हमने वहाँ डीजीपी से मिलने की कोशिश कीजिएगा, निश्चित करेंगे, अगर मिलेंगे तो हम तो सारा सूचना देंगे, जो भी कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसके बारे में हम पहले बता देंगे। हम लोग आपके साथ मतलब उनसे मिलने भी जाएंगे, अगर दिलीप वहाँ पर पहुँचते हैं तो हम लोग भी वहाँ पर पहुँचने के प्रयास करेंगे और उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे आप सभी के लिए, कि क्या वो इस मामले में हस्तक्षेप करने वाले हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि बिहार के डीजीपी वो हैं और पूरे प्रशासन को वो चुस्त रखे हुए हैं। चलिए, और भी तमाम खबरों के लिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, जो भी बीएसएससी से रिलेटेड है सारी खबरें हम आपको देंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।